प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। आई एम श्याम मिश्रा, इंग्लिश कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड प्लेसमेंट एक्सपर्ट। मैंने अपने चैनल का नाम इजी इंग्लिश, मतलब सरल इंग्लिश, इसलिए रखा ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाएगी कि इंग्लिश जो है वो एक बहुत ही आसान भाषा है, ये टफ नहीं है, ट्रस्ट में। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बात बैठी हुई है कि इंग्लिश जो है वो टफ है, इसलिए हमारे लिए वो टफ है। एक्चुअल में इंग्लिश दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उन सारी लैंग्वेजेस में सबसे आसान लैंग्वेज सीखने के लिए इंग्लिश ही है। बहुत सारे मेरे कॉर्पोरेट ट्रेनर भाई लोग कहते हैं कि जैसे हमने हिंदी सीखी वैसे हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन उसके लिए हमें वापस से 1-2-3 साल का होना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अब हमारी उम्र बढ़ गई है तो अब हमें उसकी रूल्स रेगुलेशन सीखने पड़ेंगे और तभी वो हमें आएगी, तो वो सब हम सीखेंगे आने वाले चैनल्स में। इस मौके पे मुझे एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी की बात कही हुई बात याद आ रही है। वो पर्सनालिटी का नाम है मिस्टर हेनरी फोर्ड। मेरा सजेशन है, आप किसी की भी बात पे यकीन मत करिए, पर समझ लीजिए कि बात कही किसने। हेनरी फोर्ड जो थे वो एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर थे और वो फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक थे, मतलब उन्होंने ही फोर्ड मोटर कंपनी बनाई। उस टाइम पूरे वर्ल्ड में कार जो थी वो सिर्फ क्रीमी लेयर के पास हुआ करती थी, मतलब रिच पीपल के पास ही कार होती थी, मिडिल क्लास के पास कार उस टाइम नहीं होती थी। हेनरी फोर्ड ने जब अपनी फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे, वो चाहते थे कि उनका मार्केट साइज बड़ा हो जाए और कार जो है वो सिर्फ क्रीमी लेयर नहीं, मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सके ताकि वो ज्यादा कारें बेच सके। उन्होंने उस कॉस्टिंग डाउन करने के लिए उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत मेहनत करी और उन्होंने एक नई टेक्निक इन्वेंट कर दी जिसको कहते हैं असेंबली लाइन टेक्निक। इस असेंबली लाइन टेक्निक में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी फैक्ट्री को एक लाइन में स्ट्रीम लाइन अरेंज कर दिया कि कार बनाने के लिए सबसे पहले जिसकी जरूरत है वो सबसे पहले उसका यूनिट आएगा, सेकंड नंबर पे जिसकी जरूरत है उसका काम उसका यूनिट सेकंड नंबर पे आएगा। इससे कॉस्टिंग डाउन हुई और जो कार थी वो मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्डेबल हो गई। इनका मार्केट साइज बढ़ गया और जब इनका मार्केट साइज बढ़ गया तो इनकी इनकम भी बढ़ गई। तो ये बहुत ही काम के फेमस और प्रूवन पर्सनालिटी थे, इसलिए इन्होंने जो भी कहा वो हमें सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। इन्होंने कहा था, इफ यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। इसका मतलब है कि अगर आप सोचते हैं कि आप एक पर्टिकुलर काम कर सकते हैं या फिर आप सोचते हैं कि आप वही काम नहीं कर सकते, इस दोनों कंडीशन में आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्योंकि आप वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये 100% डिपेंड करेगा कि आप उस काम को कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। आप उस काम को टफ ले रहे हैं या इजी ले रहे हैं। अगर आप टफ लेंगे तो यकीन मानिए वो काम आप नहीं कर पाएंगे, वो टफ होगा। जैसे कि इंग्लिश को आपने अभी तक टफ लेके चले हैं इसलिए अभी तक नहीं हो पाया, आज से इजी मान लीजिए और मेरे सेशन सारे देखिए। ये सारे ये एक हेल्प है आप सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए, ताकि आप भी जो रियल कंटेंट है, जो रियल टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजीज है, उसको यूज करें और इंग्लिश सीख ले। मैं ये नहीं कहता कि आपको मैं एक दिन में सिखा दूंगा, दो दिन में सिखा दूंगा, कम से कम 3 महीना तो आपको एक ठीक ठाक इंग्लिश बोलने में लगेगा जिसमें आप ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कर रहे होंगे और सारी बात बोल पा रहे होंगे। बस करना यही है कि आपको सारी टेक्निक्स, सारी प्रैक्टिस सब फॉलो करना है। यहाँ पे एक और फेमस पर्सनालिटी के बारे में बात करना बहुत जरूरी हो गया है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। उनका नाम है वायन ग्रिट्स्की। ये एक लिविंग लेजेंड है, अभी भी जिंदा है और ये कैनेडियन आइस हॉकी टीम के एक लेजेंडरी प्लेयर हुए हैं। अगर मैं इनको आइस हॉकी का सचिन तेंदुलकर बोलूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके नाम इतने रिकॉर्ड है जो कि अभी तक अनब्रेकेबल है और शायद आगे भी लंबे समय तक वो रिकॉर्ड्स ना टूट पाए। इन्होंने एक ही सीरीज में 200 पॉइंट ठोके थे जो कि एक लगभग नामुमकिन सा रिकॉर्ड है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, इन्होंने कहा था, यू विल मिस 100% ऑफ शॉट्स यू डोंट टेक। आप वे 100% शॉट मिस कर देंगे जो आपने लगाए ही नहीं। बहुत सिंपल सी बात लग रही है पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि आप वो 100% अपॉर्चुनिटीज जो आप यूज कर सकते थे, जो आप एनकैश कर सकते थे लाइफ में और आगे बढ़ सकते थे, वो मिस कर देंगे अगर आपने उनको यूज नहीं किया। जैसे कि आज ये अपॉर्चुनिटी है मेरे इस चैनल के माध्यम से, जो कि मैं आने वाली सीरीज में आपको बहुत ही
प्रिसाइज एकदम स्पेसिफिक टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है। और मेरा प्रॉमिस है कि जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, सेंटेंस भी नहीं बना पा रहे हैं, वो धीरे धीरे सेंटेंस बनाने लग जाएंगे। जो सेंटेंस बना ले रहे हैं लेकिन गलत बोल रहे हैं, उनकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। और जो ठीक बोल रहे हैं लेकिन बहुत स्लो बोल रहे हैं, वो बहुत फास्ट हो जाएंगे। ये चैनल मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे रियल में जिनकी मेरे को हेल्प करनी है वो हिंदी वाले ही हैं। इसलिए ये पूरा चैनल जो ये जो पूरा सीरीज रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स में रहेगा। ये चैनल स्पेसिफिकली मेरा उन बच्चों के लिए है जो या तो बिल्कुल हार्डकोर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं या फिर ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल से आते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ये जब तक स्कूल में रहते हैं तब तक तो कंफर्टेबल माहौल होता है क्योंकि इनके दोस्त सब कोई इनके जैसे ही होते हैं, पर जब ये कॉलेज या फिर प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं और जब वहां पे इनको एक मिक्स क्राउड मिलता है और इस मिक्स क्राउड के बीच में जब इनको अपने आप को साबित करना होता है और इनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक होती है, मेहनत में ये किसी से कम नहीं होते, नॉलेज में भी ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाषा का ज्ञान इनको पीछे धकेलता है। ऐसे लोगों को ये मेरा हेल्पिंग हैंड है जो कि आगे खींच के लेके जाएगा। और मेरा प्रॉमिस है कि आप मुझे फॉलो करिए, मैं 3 महीने में आपको उन अच्छे स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के पैरेलली लाके खड़े करने की ईमानदारी से कोशिश करूंगा। अगर आपने फॉलो किया तो आप खड़े हो जाएंगे क्योंकि ये पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं इस पे। मैं तो पूरी मेहनत करूंगा 100%, ये मेरा प्रॉमिस है। आप अभी के लिए ये करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आने वाले सीरीज आप मिस ना करें जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी इन माई चैनल इजी इंग्लिश, सरल इंग्लिश। याद रखना आसान है, टफ नहीं है, आसान है। ओके।